बजट के ऐलानों के बाद आज बाजार धराशायी हो गया। निफ्टी करीब 450 अंक तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरकर बंद हुए। आज की जो गिरावट है 11 साल में बजट के दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। वित्त मंत्री ने पर्सनल इनकम टैक्स की एक ऐसी गुगली फेंकी कि इंश्योरेंस शेयर सारे क्लीन बोल्ड हो गए। कोई राहत नहीं मिलने से रियल एस्टेट शेयरों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन क्या आज बाजार ने जो गिरावट दिखाई वो ओवर रिएक्शन है? क्या सोमवार को बाजार फिर से संभल जाएंगे या फिर ग्लोबल मार्केट्स के साथ हमारा बजट बाजार का मूड रखेगा खराब? इस पर हम करेंगे खास बातचीत और बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बाजार पर, कारोबार पर, इकोनॉमी पर इस बजट का असर क्या रहेगा इसका करेंगे विश्लेषण। हमारे साथ नवनीत मनोज साहब है, CIO SBI म्यूचुअल फंड के, और साथ ही सुनील सिंघानिया साहब है, फाउंडर एबेकस एसेट मैनेजर्स LLP के, और साथ ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब, चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, मधु केला साहब, फाउंडर MK वेंचर्स, और साथ ही ए बाला MD और CEO आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड के। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले नवनीत जी, बजट वाकई में इतना खराब है कि बाजार का रिएक्शन कुछ जरूर से ज्यादा हो गया? दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। नहीं, काफी अच्छे इंटेंशंस है। कोशिश की गई है कि पिछले कुछ वर्षों में जो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस, उन सब पे और कोशिश करी जाए, पर कहीं ना कहीं बाजार की जो अपेक्षाएं थी, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के हो गई, वो शायद पूरी नहीं हुई। और जो आपने अभी जस्ट बोला इंश्योरेंस का, कि भारत में बहुत जरूरत है फाइनेंशियल सेविंग्स आए, लोगों की जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ आए, तो उसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, तो वो जो ATC, ATL, वो जो सब बेनिफिट्स हैं, उनके जाने से अगर आप नए रेजिम में कन्वर्ट करते हो इनकम टैक्स के, तो आई थिंक वो सेविंग्स अगर कम होती है तो वो बाजार के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा क्या, इतना बुरा क्या लग गया सुनील जी मार्केट को कि हजार हजार पॉइंट और 11 साल की सबसे तेज गिरावट हो जाए? दो तीन चीजें, एक तो जैसे नवनीत ने कहा कि थोड़ी सी उपेक्षाएं थी, थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन था, आई थिंक दूसरा थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया है फिर से। एक एज अ टैक्स पेयर मुझे फिर से दो रिटर्न बनानी पड़ेगी, एक पुराने रेजिम में, एक नए रेजिम में, फिर देखना पड़ेगा कि कौन से रेजिम में मुझे फायदा है, फिर भरना पड़ेगा। जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उनको तो सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि जो डिविडेंड टैक्स है वो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स विच इज 43% पे चार्ज होगा। तो अभी फाइन प्रिंट्स पूरी देखी नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, 48 पेज का एक्सप्लेनेटरी नोट है, उसमें से 12-13 पेज ही पढ़ पाया क्योंकि बजट की स्पीच भी बहुत लंबी चली। बट बाय एंड लार्ज थोड़ा सा एक उसको देखते हुए बाजार में एक कंसर्न था। और काफी चीज थी, जैसे एक इकोनॉमी को जो पुश देना है, तो आई थिंक ऐसे कोई ठोस स्पेंडिंग के अनाउंसमेंट्स नहीं दिखे। थे काफी एग्री साइड पे और थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे, बट ऐसा जो मार्केट को लग रहा था कि अगर फिस्कल डेफिसिट 3.8-3.9 होगी तो कुछ बड़ा पुश आएगा, वो नहीं था। आई थिंक थोड़ा सा रियल एस्टेट में भी जो उपेक्षाएं थी कि ये सेक्टर इतना प्रॉब्लम में है तो उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, वो नहीं था। और दूसरा थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है कि ये देश में सेविंग चाहिए कि नहीं चाहिए। कैसे? अगर सेविंग चाहिए तो आप इंसेंटिव निकाल रहे हो सेव करने का, और लोगों को ये इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि बस आप सेविंग मत करो तो आपका टैक्स भी बचेगा और सेविंग के पैसे भी बचेंगे, आप मजा करो लाइफ में। ठीक बात है। तो थोड़ा सा एक असमझ जैसा है। एज आई सेड, अभी तक पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं पाए बिकॉज बजट ही 2 बजे तक चला है। लेकिन कंफ्यूजन जरूर है कि सेविंग करें या ना करें क्या। लेकिन यही बात दोनों ही जगह है नवनीत जी, कि पर्सनल टैक्स में जो कुछ बदलाव किए उससे फायदा होगा या नुकसान ये पता नहीं चल रहा। दूसरी चीज ये कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो बदलाव किया है उससे फायदा होगा या नुकसान, तो ये कंफ्यूजन में इसे फायदा समझे या नुकसान समझे? सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो निश्चय ही फायदा है, क्योंकि उनके वहां पर टैक्स नहीं लगता है वापस, तो यहां जो टैक्स कट के डिविडेंड मिलता था उसकी जगह उन्हें पूरा डिविडेंड मिल जाएगा। पर यहां के जो निवेशक हैं, जैसा सुनील ने अभी बताया कि जो यहां पर अगर 20% या 30% या सबसे ऊपर 43% वाली कैटेगरी में है, उन पर तो टैक्स आउटफ्लो हर एक डिविडेंड रिसीट पर बढ़ गया है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत छोटा सा अमाउंट शायद सरकार को मिला होगा इस साल या अगले साल मिलेगा, लेकिन उसका जो एक पॉजिटिव रिपरकशन होता था, हम लोग भी एक ऑफशोर फंड मैनेज करते हैं, मैं जब बाकी भी एफआईआई से मिलता हूं तो उनको वो कैलकुलेट करना उनके लिए बहुत कंबरसम है। आज ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, उनमें पैसा आ रहा है जा रहा है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि साल के अंत में आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होने वाली है? मैं बात कर रहा हूं जो फॉरेन वाले फंड्स भारत में निवेश करते हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उनको कुछ फायदा होगा, लेकिन जो अनिश्चितता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वजह से है वो उन पर बरकरार रहेगी। एफआईआई के लिए तो सर अच्छा ही किया, सब पहले भी टैक्स घटाए हैं तो उनका ज्यादा फायदा फॉरेन कंपनियों को है जो कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई। अभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स का जो बदलाव है हमें तो फायदा है नहीं, उन्हीं को फायदा है। पहले सोचते पहले ही अच्छा था, इससे तो बढ़िया। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को फायदा है, फॉरेन कंपनियों को फायदा है सुनील जी, तो फिर वो खरीद क्यों नहीं है? फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन कंपनी दो डिफरेंट एंटिटीज है। मेरा एक व्यू है कि जो टैक्स भी जो कटौती हुई ना, उसमें जो कंपनियों को फायदा हुआ वो ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करने वाली, ये सब कंज्यूमर कंपनियां हैं। अच्छा, तो उनको जो फायदा हुआ वो ऐसे भी डिविडेंड के तौर पे लिखे जाने वाले थे, अब उनको और फायदा हो गया, अब उनको और डिविडेंड लेके जाने को मिलेगा। तो आई थिंक समवेयर, जैसे मैंने कहा, थोड़ा कंफ्यूजन है। आई थिंक वेदर दिस कंट्री नीड्स मोर कंजम्पशन और मोर इन्वेस्टमेंट, आई थिंक थोड़ा सा उसमें एक कसमकश है, और कंजम्पशन भी बढ़ नहीं रहा है क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ नहीं रही है, या इंडियन टैक्स पेयर के हाथ में भी। तो जैसे 78,000 रुपीज का जो टैक्स सेविंग है, अगर आप 80C, 80D, 80L, HRA अगर सब बेनिफिट अगर आप देख लो, तो यू विल नॉट ऑप्ट फॉर द न्यू रिजीम, आप पुराने रिजीम में रहोगे क्योंकि उसमें आपका टैक्स 30,000 रुपया और भी कम होता है इसके हिसाब से। तो आई थिंक ये अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा सबको अपना अपना। जैसे मैंने कहा, अभी दो रिटर्न बनेगी, एक पुराने लॉस के हिसाब से और एक नए लॉस के हिसाब से, एंड देन एवरी डे यू हैव टू टेल। तो आई थिंक जो आपने कहा वो एकदम सही है कि किसी को पता नहीं कि उनको फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है। तो इनकम टैक्स में जो ईजिंग की बात है, वो ईजिंग तो दिख नहीं रही नवनीत जी से, उल्टा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें ज्यादा ओपिनियन, ज्यादा एडवाइस लेनी पड़ेगी कि सही क्या है गलत क्या है। और स्लैब्स भी मुझे लगता है जितने कम स्लैब हो उतना अच्छा रहता है। क्या होता है अगर आपकी इनकम 7,40,000 है, आप अगर 7,60,000 पे जाते हो तो सडनली आपकी रेट चेंज हो गई और आपका पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया। तो इसको इस तरह से रखना चाहिए कि कम से कम रेट हो और एकदम सीधा सा, इनफैक्ट अपनी तो पहले बात हुई थी उसको स्वाभिमान योगदान करके ऐप बेस सिंपल कर दिया, भाई इतनी इनकम है और इतना टैक्स है और डायरेक्ट कट गया आपका आधार नंबर के साथ में, पैन की भी जरूरत नहीं है, इतना सिंप्लीफाई कर सकते थे। पर मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत है, एटलीस्ट एक इंटेंशन है कि धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है, और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि धीरे 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 इस तरह की कोशिश करनी है कि बहुत ही सिंपल हो जाए और किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़े। मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ महीनों में सरकार इस तरह के प्रयत्न करे कि टैक्स फाइल, रिटर्न फाइल करना, अपील करना, वो सब चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। लेकिन वित्तीय घाटे के आंकड़े को भी आप बड़े गौर से देखते हैं, 3.8% इस साल का और 3.5% अगले साल का, ये इस तरह के माहौल में रीजनेबल है? इससे कम हो नहीं सकता था, क्योंकि जहां पर अब एक तरफ आपके जो टैक्स रेवेन्यूज कम हो रहे हैं बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, सरकार के जो बड़े खर्चे होते हैं, जो आज पेंशन है, सैलरीज है, इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो सब्सिडीज पेमेंट है, वो तो कम हो नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा बहुत तो घाटा बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इस साल भी और अगले साल भी 0.5% बढ़ाना तो करीब करीब बाजार को लग ही रहा था कि उससे कम में तो संभव ही नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता था, डर तो ये था, पर आई थिंक इतना तो शायद उनको करना ही था। नहीं, लेकिन वित्तीय घाटा बढ़ने के साथ सुनील जी, जो ऐसा नहीं लग रहा कि वो ग्रोथ में जाने वाला पैसा, ऐसा लग रहा है क्या कहीं कि ये पैसा कहीं बड़ा ग्रोथ में चले जाएगा, क्योंकि कलेक्शन कम है, आपके पास पैसे ही कम है, क्या ऐसा कहीं सेंस मिल रहा है? नहीं, एक तो जैसे मैंने कहा पूरा बजट मुझे लगता नहीं कोई भी अभी तक पढ़ पाया है। नहीं, लेकिन दूसरा बड़ी बातें तो समझ में आ गई सर, दूसरा छोटी मोटी कुछ निकल गई तो अलग बात है। 100% बट अभी है ना, ये बजट का जो इम्पोर्टेंस है ये पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आर डन आउटसाइड द बजट, जैसे FDI वगैरह है वो तो पहले बजट के पहले ही सब कर दिया। तो आई थिंक बजट इज मे बी
एक डॉक्यूमेंट है और एक हम इतने सालों से इसको यू नो ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा तो मत बोलो, आपकी मीडिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। आज 1000 पॉइंट देख के तो लगता है इम्पोर्टेंट है बजट। एक खाली एक पॉजिटिव है जी, इसमें इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने की बहुत एक कोशिश की गई है। जस्ट सीइंग अक्रॉस द बोर्ड कस्टम्स ड्यूटी में इंक्रीज हुआ है, तो थोड़ा एक प्रोटेक्शनिज्म का एक कोशिश है, तो विच कैन बी गुड फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। बट आई थिंक यू नो स्पीच वॉज 2 आवर्स। स्पीच में काफी कुछ जो जो सुनना था हमने सब सुना, कविताएं भी सुनी और 1,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुना और एग्री भी सुना। मोर इम्पॉर्टेंट सुनने से ज्यादा अभी एक्चुअल कितना होता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज बहुत अच्छी की है, जो सोवरेन वेल्थ फंड्स है उनको टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है, तो आडिया का नाम स्पेसिफिकली लिया गया है, बट ऑल अदर सोवरेन वेल्थ फंड्स इफ दे इन्वेस्ट बिफोर मार्च 2024 एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स तो उनका जो इनकम है दैट विल बी टैक्स फ्री। तो वो बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है कि बाहर से एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा पैसा आ सकता है, विच विल बी आउटसाइड द बजट। अच्छा, ये एक संभावना है, ये एक संभावना। अच्छा, एक और चीज जो शायद बाजार को ज्यादा परेशान कर रही है, जैसे आपने बोला कि ये कंफ्यूजन है कि सेविंग करनी है या कंज्यूम करना है, तो अब न तो हम खर्चा ज्यादा कर पाएंगे न ज्यादा सेव कर पाएंगे, इन्वेस्टर भी कंफ्यूज रहेगा और सरकार भी कंफ्यूज रहेगी, अल्टीमेटली आना कितना है। तो ये इस हिसाब से अगले साल भी कोई टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ जाए, ऐसा दिखता है आपको? नहीं, बढ़ सकता है, धीरे धीरे ग्रोथ रिवाइव होनी चाहिए। यहां से ग्रोथ तो मेरे ख्याल में बॉटम हो गई। काफी ध्यान दिया गया है रूरल एरियाज पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, काफी इंडस्ट्रीज की जो उन्होंने बात करी। अगर थोड़ी रूरल इकोनॉमी रिवाइव होती है तो उसका कंजम्पशन पर सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सॉवरेन वेल्थ फंड वाली जो सुनील ने बात करी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सॉवरेन वेल्थ फंड का अगर थोड़ा पैसा आता है, सरकार अगर एसेट मोनेटाइजेशन कर पाती है, एसेट कर पाती है और उस पैसे को अगर वापस प्रोडक्टिवली यूज किया जाए तो उससे ग्रोथ पर पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो उसके जरिए धीरे धीरे टैक्स कलेक्शंस बढ़ सकते हैं। पर जो इंटेंट है वो क्लियर है कि सिंप्लीफिकेशन करना है, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में उस पर थोड़ी और मेहनत की और थोड़ी और ध्यान देने की जरूरत है। एक और चीज जो शायद बाजार को कम पसंद आई और एक जिसको कह सकते हैं कि आपका सनराइज सेक्टर है इंश्योरेंस, और एक तरह से वो है ना नो ब्रेनर है कि इंश्योरेंस में पैसे लगाओ पैसे तो बनेंगे, आज बड़ा झटका लग गया। क्या वाकई में इतने बड़े झटके जैसा कुछ हुआ है क्या? सो दो चीजें हैं अनिल जी, जब अगर अपने को LIC का डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो अपने को इस तरह से सोचना चाहिए कि किस तरह से हम पॉलिसीज बनाएं कि इंश्योरेंस सेक्टर को फायदा हो, और चाहे वो यहां के निवेशक हो या विदेशी निवेशक हो, उनको LIC लेने में अच्छा लगे कि विश्व की सबसे अच्छी कंपनी यही है। दूसरा है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल सेविंग्स की शॉर्टेज है, गवर्नमेंट इतना बोरो करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स बोरो करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर को रिस्क कैपिटल चाहिए, इक्विटी भी चाहिए, डेट भी चाहिए, तो कैसे भी हमें इंसेंटिवाइज करना है कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, इनके पास बहुत पैसा है और उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टैक्स बेनिफिट्स की जरूरत है जो इतने सालों से है उनको बढ़ने की जरूरत थी। इनफैक्ट मेरा तो ऐसा मानना था शायद कि हम ये लिमिट बढ़ाएं ATC की या ATL की, ताकि फाइनेंशियल सेविंग्स और आए फिजिकल सेविंग्स की बजाय। मेरे ख्याल में थोड़े से उसमें वापस सोचने की जरूरत है दोनों तरीके से, कि अगर LIC का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, अपने को वैल्यू बढ़ानी है इंश्योरेंस सेक्टर की भारत में, और किस तरह से मोर सेविंग जो है फाइनेंशियल सेक्टर में आ सके। बिल्कुल, और इस बीच मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, ये बजट वाकई में खराब था या हमें समझ में नहीं आया? दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। खराब तो क्या बोलोगे, कुछ है ही नहीं एक्चुअली। बजट जो है काफी सिर्फ हम जो प्रमोटर रिच जितने हैं उनको सबको मतलब बहुत पैसे लग जाएंगे। धो दिया है? हाँ, धो दिया। मतलब उसमें जो मतलब जो डिविडेंड टैक्स जो है अच्छा हुआ कि एबॉलिश हो गया, लेकिन एबॉलिश हो गए
मैं वही याद कर रहा था कि मतलब लगता है जो मांगो वो मिलेगा, सो मिल तो गया वो, लेकिन क्या है कि जो हमारे ऊपर जो मतलब एट पर्सनल लेवल 43% का जो टैक्स रेट है उसमें जो पहले तो 35 था, अब वो सॉरी 33 था, अब वो 43 हो गया, तो और 10 टका लग गया। तो आपने वो पूरी जो भगवान से प्रार्थना की थी पूरी नहीं की थी, पूरी नहीं की थी, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दो, उन्होंने कंपनी से तो हटा दिया। हाँ, लेकिन आपके लिए कोई उल्टा नुकसान हो गया है तो बड़ा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, 10% ऑन एंटायर डिविडेंड। सो इधर यू स्किप द डिविडेंड और इफ यू पे द डिविडेंड देन यू हैव टू पे दैट 10%, सो 15-20 करोड़ का एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। मेरे ख्याल में राम हो सकता है रामदेव जी ऐसा सोच हो कि लोग डिविडेंड नहीं दें और इन्वेस्ट करें उस पैसे को, तो आप एक मोतीलाल ओसवाल टावर है वैसा एक टावर और ले लीजिए बाजू में परेल में। वो तो सब कंपनी लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन क्या है डिविडेंड का एक अपना मीनिंग है, यू नो, जो जिसके लिए जो छोटे छोटे इन्वेस्टर निवेशक जो आते हैं और रिटायरमेंट और बैठ के जो उनका जो इनकम बनता है वो तो देना ही पड़ेगा ना, हमको 25-30% तो बांटना ही है। अच्छा, अब तो एक्चुअली एट अ कंपनी बोर्ड लेवल आपको सोचने का काम ही नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज अ रेसिपिएंट्स प्रॉब्लम कि भाई व्हाट इज हिज टैक्स लायबिलिटी, यू नो ही माइट बी अ ट्रस्ट, ही माइट बी अ कंपनी, ही माइट बी अ इंडिविजुअल पर्सन, सो एट अ बोर्ड लेवल एक्चुअली देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू थिंक, यू डू व्हाटएवर इज योर डिविडेंड पॉलिसी, जो आपको बांटना है बांटिए। हाँ, बिल्कुल। या अच्छा सर, ये मार्केट का रिएक्शन फिर जरूरत से ज्यादा है या पहले ऐसा होता था कि कुछ खराब नहीं आया तो हमारे लिए अच्छा है बजट, इस बार कुछ नहीं आया वो खराब है? नहीं, आप ग्लोबल सी यू कैन नॉट ओवरलुक द ग्लोबल मार्केट्स, नहीं सर, नहीं नहीं, ग्लोबल तो 11 बजे पहले ही गिर जाते। नहीं नहीं, मतलब इतना एक्चुअली उतना होल्ड करा था इन द एक्सपेक्टेशन कि भाई बजट में कुछ आया तो वी शुड नॉट बी शॉक्ड, जैसे बजट में कुछ नहीं आया तो देन इट टुक ओवर द व्हाटएवर हैड हैपेंड इन द ग्लोबल मार्केट्स कि भाई यूएस वेंट डाउन, चाइना में प्रॉब्लम चल रहा है, सो और ये पूरा 5-7 दिन से काफी बड़ी रैली थी यहाँ पर एटलीस्ट इंडेक्स लेवल में, सो आई थिंक दैट हैज मैं बोलूंगा आज का जो डिक्लाइन है इट इज नथिंग टू डू विद द बजट, इट इज टू डू विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बजट इज न्यूट्रल। चलो बढ़िया, कम से कम बजट न्यूट्रल तो लग रहा है। अच्छा, हमारे साथ है इस वक्त आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड के MD और CEO ए बाला सुब्रमण्यम साहब भी है। बाला सर, अच्छा खराब न्यूट्रल कैसा है बजट? नहीं, मेरे हिसाब से न्यूट्रल बजट है क्योंकि जो करना है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, ज्यादातर लोग टीवी पे जब न्यूट्रल बोलते हैं तो हम उसको खराब मानते हैं, जब मतलब अच्छा बोलते हैं तो हम उसको न्यूट्रल मानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं मानते हैं। आई टेल यू, ऑन द कंट्री आई टेल यू, आई रेटेड द बजट एज 8 out of 10। अच्छा, 8 दिए? आठ दिए, ठीक बात है। क्यों क्यों 8 दिए? क्योंकि द वे आई थिंक बजट हैज टू एड्रेस जी जस्ट अब जो लेना है एक्चुअली टू पिक अप टू गेट द इकोनॉमिक की स्टार्टेड is addressing the rural economy, which is largely around agriculture economy they have covered. Second is infrastructure focus, like especially on the water pipeline laying across the country, and then company look at the new model to make the country prosper. That's something they're addressing it through the budgetary provisions. And third, which is respect to the income tax choice, it is not income tax reduction per se, it's of course income tax reduction if you choose actually the option where you want to exercise the exemptions. Now, giving that power in the hands of taxpayers and let him choose whether you want to save or you want to spend. By having more money in hands that you spend, that option is giving, and then reducing the tax slabs up to 20 lakh rupees something, in my view, it boosts the consumptions. The broader theme, if you see, the budget is good. Okay. But I think the way we were analyzing why the market has fallen is also something which I think all of us build expectation, long term capital gains, aa jayega. So I think when you have such a strong view, aa jayega, if it doesn't come, then of course definitely it creates a disappointment. Usme hamara bhi kam contribution nahi, hamara bhi role bahut hai, humne mahol hi aisa bana dete hai ki aa jayega. Aur sir, ye nahi aana hi zyada nuksan wala hai Ramdev sir, jo nahi aaya hai ki long term to hata hi denge. तो इतना खराब है क्या कि लॉन्ग टर्म नहीं हटाया तो मतलब इतना मूड खराब कर? आई डोंट थिंक सो, मतलब एक्चुअली फ्रॉम द स्टॉक मार्केट टोटल आपका इन्वेस्टमेंट में आई मीन द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एवरेज सिटीजन इज नॉट वेरी हाई, इज नॉट वेरी, इट इज वेरी रीजनेबल। सो मतलब जो प्रमोटर लेवल पे जो 37% प्रीमियम सॉरी सरचार्ज जो लगाते हैं दैट इज द ओनली थिंग विच इज हर्टिंग, अदरवाइज इफ माई टैक्स लायबिलिटी इज 25-27%, 30% आई डोंट थिंक आई हैव एनी कंप्लेंट। ओके नवनीत जी, ग्रोथ के लिए दो सेक्टर इम्पोर्टेंट है, रियल एस्टेट और ऑटो। मतलब मेरे ख्याल से इतने सारे बजट में ये पहला बजट होगा जिसमें सबसे कम नाम इनका लिया है, हार्डली एक आध बार बोला होगा, बस उसके अलावा बोला भी नहीं, तो ये लिस्ट में ही नहीं है कहीं?
नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो टैक्स इंडिविजुअल को मिलता है और जो कंपनी को मिलता है, दोनों एक साल के लिए बढ़ाया, पर अपेक्षाएं ज्यादा थी। इनफैक्ट अपनी भी पहले बात हुई थी कि रियल एस्टेट के लिए शायद कुछ और ज्यादा करना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि टैक्स डिडक्शन जो इंडिविजुअल्स के लिए उसको बढ़ाया जाएगा और कुछ और भी किया जा सकता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्ट्रेस आज रियल एस्टेट में है उसका कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पर, दूसरे बिजनेसेस पर भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। जो आज पैसा स्टक है, मैं छोटी छोटी जगहों पर देखता हूं, तो रियल एस्टेट का रिवाइवल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। नहीं तो एनबीएफसी एचएफसी पर जो स्ट्रेस है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम पर भी वो स्ट्रेस दिखेगा। रियल एस्टेट जॉब्स क्रिएट करता है, रियल एस्टेट से जीएसटी का फ्लो आता है, क्योंकि जब आप घर खरीदते हो उसके बाद आप प्लाईवुड भी लोगे, टाइल भी लोगे, पेंट भी लोगे। तो मेरे को लगता है कुछ और मेजर्स लेने चाहिए रियल एस्टेट को रिवाइव करने के लिए। रामजी सर, जो आपके पसंदीदा सेक्टर्स हैं, एनबीएफसी, बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स वगैरह, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कुछ आए नहीं बजट में? जो कुछ नया, कुछ धक्का भी तो नहीं पड़ा ना। देखिए, ये हम प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस क्यों बोलते हैं जी, क्योंकि पीएसयू बैंक्स की हालत ऐसी है, इकोनॉमी में आपका जो 12-15% बैंकिंग डिमांड जो ग्रोथ हो रही है जी, और ये जो मार्केट शेयर जो लूज करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसी कारण से जो प्राइवेट सेक्टर के एनबीएफसी हैं या बैंक्स हैं उनको फायदा होते जा रहा है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। दैट विल कंटिन्यू, दैट विल डेफिनेटली कंटिन्यू। सो देर इज नो चेंज इन द स्टेटस, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ न्यूट्रल बजट एज फार एज द प्रोविजन फॉर दीज सेक्टर्स आर कंसर्न, कंप्लीटली उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगा कि शुरू में जब बजट चालू हुआ तो उन्होंने बोला कि फॉर बिग इन्वेस्टर्स नाउ दे विल हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर टाइप्स यू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट हु विल टेक केयर ऑफ एंड टू एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वेस्टर, क्लैरिटी ऑफ द टैक्सेशन, जो भी मतलब लैंड का इशू है, जो भी इशू है, एवरीथिंग विल बी टेकन सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप का, एंड इट विल बी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू सी दैट एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये जो है ना, एक्चुअली इफेक्टिवली डन, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी, I mean, it has come in budget. It has nothing to do with the revenue or expenditure. But I think it is a very big measure. And then sovereign wealth fund have been, I think, exempted from the taxation. So, ये जो पूरा जो बना रहे हैं वो ऐसा लगता है कि they have thought through about whose money they want to have here. And there must be some promises that if you do this, DDT है. DDT has not been removed for us. DDT has been removed for the foreigners. Because they were not getting that double taxation benefit. So that is what they have done. But actually it has created a problem for us. Just to add to what Ramji was mentioning, I think if you look at the way I think they looked at addressing the bond market need. So when they have reduced the TDS, withholding tax for interest payment that is being given by 5-4. And secondly, they also doubled the limit. For FDI investment into the bond market, they have doubled the limit both on government securities market as the corporate bond market. And then lastly, which is one of the struggles which I think after the recent success of Bharat Bond ETF, they also looked at promoting government securities market to the retail investor in the form of an ETF. Therefore, they are creating one more source of financing for the government bond market, which was heavily dependent only on the institutional investors all these years. It's also something they are addressing in the budget, and as he rightly put it, I think it's something they are also looking at the segment whom they want to encourage for investing in the longer term rather than actually encouraging people who can come only for short term benefit. ठीक बात है। इस बीच हमारे साथ MK Ventures के founder मधु कैला सर भी आ चुके हैं। मधु सर, आप वैसे है ना, बात करने से नहीं लग रहा कि बजट खराब है, और 3:30 बजे जब बाजार बंद हुआ तो लग रहा है बहुत खराब है। 11 साल में पहली बार इतना ज्यादा गिरा है, तो खराब है कि अच्छा है या हमें समझ नहीं आ रहा? मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि हर चीज रिलेटिव है ना, उम्मीद से कितना अच्छा या खराब है वही एक रिलेशन है। मुझे लगता है उम्मीद बहुत ज्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी को देखते हुए जो 5% जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई है, और तो उसको देखते हुए या जो सेक्टर्स की नीड है, चाहे वो रियल इस्टेट सेक्टर है या स्ट्रेस्ड क्रेडिट फ्लो है, क्रेडिट सेक्टर है, उसके लिए चूंकि डायरेक्ट कोई मेजर्स नहीं लिया हुआ है, इसके लिए मार्केट डेफिनेटली ज्यादा नर्वस लग रहा है देन एज कम्पेयर विद नॉर्मली इट वुड हैव बीन। लेकिन ये नर्वसनेस सिर्फ एक आध दिन की है या फिर अगले बजट तक फिर हमें इस बजट को याद रखना पड़ेगा? अनिल जी देखो, आप और मैं इधर ही है, कोई भी कितना भी अच्छा या कितना भी खराब बजट आ जाए, वो 2-4 दिन से ज्यादा हवा रहती नहीं है उसकी, देन वी हैव टू बैक टू स्क्वायर वन। सर ये सही बोल रहे, रामदेव सर सही बोल रहे, या फिर से मंडे से हमें ग्लोबल ही देखना, मंडे ग्लोबल लोकल कंपनी भी देखना पड़ेगा, क्वार्टर रिजल्ट चल रहे हैं ना, तो वो भी देखने पड़ेगा, सो दे विल डिसाइड द। लेकिन आज क्या है, सब ये सबको माफ करके, मतलब पूरा का पूरा
ये DDT और जो भी, लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि एक किक स्टार्ट के लिए जो एक एक्सपेक्टेशन था, इवन इफ यू डोंट डू DDT, यू डोंट डू एनीथिंग, आई थिंक जो किक स्टार्ट के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कोई तरीके से आप फॉरेन से बारो करके या एक्स्ट्रा काउंटर साइक्लिकल एक वन टाइम 1-2% फिजिकल डेफिसिट लेके आप कुछ बड़ा काम करें, जो मूड इकोनॉमिक सर्वे जो बात किया था, इकोनॉमिक सर्वे में कल शाम को पढ़ा तो ऐसा लग रहा था ये पेपर मेरे यहाँ लिखा हुआ करके. अच्छा. सब वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे थे उसमें. तो मैं बोला ये तो हम ही लिखे ऐसा लगता है. तो लेकिन मैं समझा कि भाई देयर इज अ चेंज ऑफ थॉट, पूरा का पूरा अलग तरह का मतलब सोच हो सकता है, मतलब क्योंकि नई सरकार है पूरा 4 साल आगे, तो कोई हो सकता है नया सोच हो, कोई नया ऑफिसर हो वहां पर. सो मेरे को थोड़ा एक्सपेक्टेशन अलग टाइप का बन गया था सवेरे. तो उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे कुछ और लिखते हैं और बजट तो वही को वही आता है करके. सो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मंडे को फिट हो जाएगा सब. ठीक है, चलिए. शॉर्ट टर्म ये तो चलता रहता है, कई बजट आए कई गए, लेकिन हाँ 11 साल की सबसे ज्यादा गिरावट और थोड़ा सा चुपता ज्यादा है. छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के उस पार एक बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे पर करेंगे बात. 2,10,000 करोड़ चाहिए सरकार को इस मार्केट से, उस मार्केट से जो आज 1,000 पॉइंट गिरा है. कैसे लेगी इस साल, जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद. दोस्तों, और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा. ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए. और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2,000 करोड़ का घोटाला किया. तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए. तो बजट में एक सबसे बड़ा फिगर और बड़ा इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव 2,10,000 करोड़ रुपए का, सरकार को इतने पैसे चाहिए. मधु सर, ये इस मार्केट से मिल जाएंगे? आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करो. एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अगर है, अगर मुझे कंपनी बेचनी है तो वो तो उसका मार्केट से वैसे कोई जनरली लेना देना नहीं है. राइट. जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है उसको तो लेना है, तो कंपनी लेने वाला तो मिल जाएगा एट अ वैल्यू, कोई ना कोई कंपनी लेने वाला तो मिल जाएगा. अब दूसरा जो रह गया, जो बाजार से पैसा चाहिए, लेट से LIC का इशू करना है, वो कोई वैल्यूएशन पे तो मिल ही जाएगा. बेसिकली क्या है, अगर आप बोल रहे थे पहले 10 लाख करोड़ होगा, अगर बाजार खराब है तो 8 लाख करोड़ होगा. जैसे अभी तक के डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है सब पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, वो तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपने 40 रुपए में बेचना चालू कर दिया तो वो बिक गया था. ठीक बात है. तो कोई भाव पे तो मिल ही जाएगा. लेकिन ये एक ही दिन में 15% नीचे हो गया LIC का वैल्यूएशन. कैसे सर, आज सारे 15% लाइफ इंश्योरेंस शेयर गिरे हुए, क्योंकि एक तरफ आप है ना वो नया टैक्स रिजिम ला रहे हैं जिसमें आप एग्जेम्पशन नहीं देंगे तो लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे, और मेरे ख्याल से ये जो 15 लाख रुपए तक की इनकम वाले हैं वही सबसे ज्यादा LIC के कस्टमर. तो आप चाहते क्या है, मतलब LIC का IPO भी लाना है और साथ ही ये दोनों चीज अलग दो आदमी लिखा है. जिस साल में आपको 1,00,000 करोड़ के IPO लेके आने का, उसी इंडस्ट्री को बराबर पकड़ के मारने का. हाँ. वो तो नहीं करना था उनको, मतलब पहले IPO करना था, उसके बाद जो करना था. अपना ये अजम्पशन है, मेरे पास पूरा अभी मेरे CA ने भेजा कैलकुलेशन करके जी, बहुत कम लोग नए रिजीम में माइग्रेट होंगे, बहुत कम लोग होंगे. अगर आप गणित करके देखोगे ना तो सर, फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या, कंजम्पशन नहीं, वो जाने दो ना, बहुत वो तो किसने देखा क्या पैसा होने के बाद भी कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा. बट जो फर्स्ट कैलकुलेशन है ना, अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड एक पॉइंट के बियॉन्ड है, देन इट स्टिल मेक सेंस टू बी इन द ओल्ड रिजीम एंड इट कंटिन्यू टू सेल. जस्ट ऐड टू व्हाट मधु सेइंग, आई थिंक वी आर गोइंग विद अजम्पशन एवरी गाय हु कम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी आर कमिंग टू द ELSS स्कीम्स आर द लार्ज इन्वेस्टर बेस. If you look at the quantum of money that's coming in only for the purpose of tax purpose, it's very small. Most of the people even today under Section 80C avail the PF contribution that is there, PF and BPF. There itself they fully utilize the limit. Only leftover portion comes actually to the either by buying an insurance premium for the purpose of ATC or the ELSS scheme. नहीं वो ठीक है. So therefore उनका impact ज़्यादा मेरा साथ नहीं है. लेकिन हिंदुस्तान में तो insurance बिकता tax की वजह से ही. भले पहले PF लेगा वो एक अलग बात है. सुनील जी, हमारे तो आदत पड़ी हुई सर, जहां टैक्स की छूट मिलती है वहीं पैसा लगाते हैं.
ये आम हिंदुस्तानी तो यही करता है, तो ये दोनों में क्या चीज सही होगी फिर? नहीं, जैसे सी मधु ने सही कहा कि ज्यादा लोग शिफ्ट नहीं होंगे, तो अगर ऐसा है तो एक और एक कंफ्यूजन क्रिएट करके कुछ फायदा नहीं था। जैसे मैंने कहा अभी दो रिटर्न बनानी पड़ेगी, एक ओल्ड रिजिम में एक नई रिजिम में, फिर देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। और उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, इफ यू हैव बिजनेस इनकम यू कांट मूव टू द न्यू रिजिम। अच्छा, ऐसा भी ऐसा लिखा हुआ है उसमें? हाँ। ओहो, तो ये खाली सैलरी वाले, तब जब आप 14 पेज तक ही पहुंचे हो, अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, तभी हालत है। इनफैक्ट एक बहुत ही ड्रैकोनियन इसमें है, आप हर ई कॉमर्स कंपनी को 1% ईडीएस करना पड़ेगा, वो तो अभी तक पता ही नहीं है। तो अभी वो हमने अभी तो इंश्योरेंस कंपनियों का बारी था, मंडे को ई कॉमर्स कंपनियों की बारी होगी। तो एनीथिंग यू बाय ऑन द नेट द कंपनी हैज टू डिडक्ट 1% बिफोर दे गिव टू द सप्लायर। तो आई थिंक निकलेगा और नया नया, बट ऑन दिस पोर्शन ये अननेसेसरी कंफ्यूजन करके एक फायदा नहीं था। पर एक चीज है कि इंटेंशन के हिसाब से अगर देखो, सरकार बोल रही है हम एयर इंडिया को पूरा बेच देंगे, अच्छी से अच्छी टर्म्स पर, कोई भी टर्म्स अगर मिलेगी उस पर बेच देंगे, बीपीसीएल का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कर देंगे, कंटेनर का कर देंगे, एलआईसी तो बहुत कम लोगों ने सोचा था। हम एक बार मजाक में एक बार डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है सरकार एलआईसी भी बेच दे, कई देना पड़ेगा। दो साल पहले मैं टीवी में बजट वाले दिन हमने भी एक बार डिस्कस किया था, बिल्कुल एलआईसी भी कर देना चाहिए। पर एक बहुत बड़ा एक बोल्ड मूव है वो दृष्टि से अगर देखा जाए, एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव है कि सरकार को धीरे धीरे बिजनेस से बाहर आना है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, वो एक स्ट्रांग इंटेंट एक दिखाया है। इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और कितना ढंग से किया जा सके, और वही जो रामदेव जी ने बोला है एक सामंजस्य की बात है कि अगर एलआईसी का डाइवेस्टमेंट करना है तो हमें कुछ इस तरह के मेजर्स लेने होंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन बढ़े घटे नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरा ये कि इंश्योरेंस अभी आप देखें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन है, मतलब फॉर द इवन इफ देर वॉज नो चेंज, जो कंपनी के वैल्यूएशन है दे वेर कम्प्लीटली आउट ऑफ लाइन, 30-40-50-60 का पी था। तो ये उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस सेक्टर में, इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत बढ़िया है, दे आर द क्लियर लीडर्स इन एलआईसी है। सो मेरे को लगता है कि इफ इट इज पैकेज वेल देर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन सेलिंग द इशू एट अ रिजनेबल प्राइस इन द मार्केट प्लेस। आई थिंक इट विल बी सोल्ड। अनिल जी, इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है जितना अपन समझ रहे हैं ना, कि एक तरफ से छूट ले ली तो पूरा इंश्योरेंस बिकना बंद हो जाएगा, सारे लोग न्यू रिज्यूम में शिफ्ट हो जाएंगे और वैल्यूएशन डूब जाएगा, उतना डायरेक्ट कोरिलेशन भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही होता है, जैसे भैया ने कहा, ये सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिख रही थी, उसके हिसाब से उसको पी हाई मिल रहा था, वो ब्रेक लग गया। ग्रोथ में थोड़ी सा किंतु परंतु आ गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ इंपैक्ट नहीं होगा उसका, पी तो वो कितना होगा नहीं मालूम अभी। लेकिन नाउ आल्सो सी एलआईसी इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री एंड गेनिंग हाईएस्ट मार्केट शेयर, हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट रिकॉल अमंग द पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम द ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू। हां, वो इंश्योरेंस मतलब एलआईसी लीडर। आई थिंक आप कोई भी आप नुकन कॉर्नर में पूछेंगे, आई थिंक एलआईसी इज द नेम व्हिच बैटर्ड बाय एवरी। इफ यू आस्क मी, इट्स अ वेरी गुड, इट शुड बी अरामको ऑफ इंडिया, वुड से द अरामको का जो बिल्ड हो रहा था, एब्सोल्युटली देख ले एलआईसी। आई थिंक मेरा सबसे ग्लोबल अटेंशन के लिए विल बी इंडियाज अरामको एक्चुअली कैन इन्वेस्ट। आई थिंक इट्स अ good bold move to list LIC. It will bring in a lot of transparency in the institution. It will make the management answerable, and I think it is, in a longer term it's a very very good move. Lekin Ramdev sir thode dukhi hai aaj. Kyun? Dividend par unke bahut tax badh gaya. To buyback karenge na? नहीं नहीं भाई, खाली ऐसा थोड़ी कि मोतीलाल ओसवाल से आ रहा है डिविडेंड, डिविडेंड तो बाकी कंपनियों से भी आ रहा है, आप दुखी नहीं है? किसी को तो दुखी होना ही पड़ेगा यार, बजट को तो बैलेंस करना ही है ना, किसी के जेब से तो निकलना पड़ेगा अगर किसी को देना है तो। नहीं, बट स्टिल आई टेल यू, इवन एट अ कॉस्ट, धीरे धीरे चला गया ना, वही स्ट्रक्चरल एक रिफॉर्म हो गया, ये रिफॉर्म हो गया। अब जो है, नाउ द फर्दर डिस्कशन विल बी वेदर एक्चुअल में वेदर सुपर प्रीमियम के ऊपर जो 37% प्रीमियम सरचार्ज है, वेदर दैट शुड कंटिन्यू और नॉट, वो ठीक है। मतलब आई थिंक इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि अभी जो सिचुएशन है इसमें हम लोगों को इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स। तो आपका इतना बड़ा दिल है, आप ऐसा मान लेते हैं, बाकी तो मतलब बहुत मुश्किल है वाकई में कि इतना 42% टैक्स आपका डिविडेंड से बहुत कम है ना। नहीं मैं अनिल जी, मैं टोटल पैकेज देखूं मैं अपने इसका तो मेरा टैक्स रेट बहुत कम आएगा, क्योंकि हमारे जो कैपिटल मार्केट्स के जो इनकम्स हैं उसमें उतना टैक्स नहीं है। ये कॉर्पोरेट में भी
कॉर्पोरेट दो, बट जो हम 25% जो पे आउट करते हैं, तो चार में से एक जो पे आउट करते हैं और उसमें जो मेरे को 70% मिलता है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा हो रहा है। करेक्ट, सो दैट्स ओके। जी सर, नहीं मैं बोलता हूँ इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, जहां सुनील और मेरा व्यू अभी डिफरेंट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि अभी कंपनी को बायबैक टैक्स ही लगेगा, और अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है और मैं बायबैक में पार्टिसिपेट करता हूं तो उसमें कैपिटल गेन्स नहीं है एज पर सेक्शन 10 34A, राइट, 10 34A ब्रैकेट में, राइट, इट विच क्लियरली स्टेट्स दैट देर इज नो बायबैक टैक्स विच इज देयर। सो लॉट ऑफ द कंपनीज हु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड विल एंड अप बाइंग बायबैक। मैं क्यों, अगर प्रमोटर को 42% टैक्स भरना है तो वही वाली चीज होगी, जो बायबैक चल रहे थे वो चलते रहेंगे फॉर कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल, बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू पे 42% टैक्स फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर योर इन्वेस्टर्स इफ यू कैन बायबैक, एंड इन बायबैक यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट एज अ मैनेजमेंट, एज अ प्रमोटर, एज अ प्रमोटर, एंड लॉट ऑफ कंपनीज विल एंड अप डूइंग। सो दैट्स एक्चुअली अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट, बिकॉज देर विल बी अ सपोर्ट टू द मार्केट थ्रू बायबैक। जो सारे टेंडर ऑफर्स आएंगे तो आपको एक बाइंग प्राइस का सपोर्ट मिलेगा। एग्जैक्टली, और जो कंपनियां हैं, थोड़ा कुछ कंपनियां हो सकता है एग्रेसिवली भी बायबैक करेगी, दे विल डू लिटिल मोर देन द पे आउट, अगर किसी के पास कैश रह गया है तो हो सकता है वो एग्रेसिवली भी थोड़ा बायबैक करें। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्या था इस बजट में जो गवर्नमेंट ने मिस कर दिया, जो कर देना चाहिए था नहीं किया। बाला सर, एक तो आई थिंक पहले जो नवनीत ने बता रहा था स्पेशल इन रियल एस्टेट सेक्टर, आई थिंक लास्ट 1.5 ईयर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन का जो रीजन इज मेनली एनबीएफसी इज विदड्रॉइंग फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम लेंडिंग, सेकंड इज स्लो डाउन इन द रियल एस्टेट दे आर सेइंग, सो इट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड देन इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग एक्चुअली ऑन द क्रेडिट मार्केट, दैट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ द होल इश्यूज। बट उनका जो स्लो डाउन एंटायर थिंग हैज कम बिकॉज ऑफ दिस ओनली, एंड दे हैव एड्रेस सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू द बोथ द सेक्टर्स। Real estate sector is one support is given in the form of either the expectation that any purchase that you do from now till say 2023 or 2024, the expectation that long term capital gain tax on that will become zero more temporarily to release the to remove the inventory. Right. Even if they have taken such kind of steps, it will boost up the real estate sector. I think government has failed to understand the by reviving one sector like real estate, the entire ecosystem gets built on many other sectors. Therefore, the economic growth comes back. सुनील सर, मिस क्या किया? आई थिंक थोड़ा सा प्लान्ड एक्सपेंडिचर में एक इंक्रीज कर सकते थे, और ये फिस्कल डेफिसिट 3.8 का 3.9 भी हो जाता और अगले साल भी 3.8 रह जाता तो मुझे लगता नहीं कुछ उसमें बड़ा फेर हो सकता था। और आई थिंक दूसरा, फ्रॉम अ पीरियड वेयर वी वर मूविंग टू मोर सिंप्लिसिटी इन आर टैक्स रिजीम, आप देखिए लास्ट 5-6 साल में वी हैव केप्ट ऑन मेकिंग द टैक्स रिजीम मोर एंड मोर सिंपल, इसमें थोड़ा सा एक जरा सा हल्का सा एक है ना कॉम्प्लेक्सिटी फिर से क्रिएट हुई। पिछली बार भी तो आया था एफपीआई पर सरचार्ज वाला एकदम से गूगली आ गया, बाद में समझ में आया। अब इस बार भी फिर और अभी थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रहा था, जैसे मैंने कहा ई कॉमर्स पे टीडीएस है, एक एलआरएस से जो हम पैसा बाहर भेजते हैं अगर वो 7 लाख रुपए से ऊपर भेजोगे आप तो 0.1% को टीडीएस कटना पड़ेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा है ना कितने टीडीएस सर्टिफिकेट जमा करेंगे वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स हो गया। आई थिंक वी शुड हैव मूव टू कंटिन्यू टू मूव टूवर्ड्स अ मोर सिंपलिस्टिक काइंड ऑफ अ टैक्स रिज्यूम। शायद म्यूचुअल फंड्स का भी देखना होगा कि अब शायद टीडीएस कटेगा कि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है तो आज जो छोटे छोटे आज करोड़ों इन्वेस्टर्स पिछले कुछ सालों में जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक तो अपना रिटर्न शीट पर देखेंगे एनएवी में, उसके अलावा फिर एक टीडीएस का सर्टिफिकेट अलग जाएगा तो कैसे रिटर्न को अपना कैलकुलेट करें। आई थिंक आई होप कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आए। और क्या क्या ऐसी मिसिंग चीजें हैं जो की जा सकती थी आराम से? मेरे ख्याल में रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर है, उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ओवरऑल ऑटोज तो मतलब मेरे ख्याल में अगर एक रियल एस्टेट पे थोड़ा जोर दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरह से एग्जीक्यूशन बढ़ाया जा सके तो ऑटोमेटिकली दूसरी कई चीजें सॉल्व हो सकती है, कहीं ना कहीं जॉब्स क्रिएट करने हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो रूरल एरियाज के लिए और एग्रीकल्चर के लिए पर्टिकुलरली, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे एक्सपोर्ट्स के लिए हो, चाहे बेटर वेयर हाउसिंग के लिए, या वो जो किसान ट्रेन और किसान वो जो फ्लाइट की भी बात हुई है, वो सब चीजें काफी अच्छी है। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, तो अगर वो रिवाइव होता है, कंजम्पशन ठीक होता है तो ऑटोज वही लोग खरीद सकते हैं। रामदेव सर, आपके हिसाब से मिसिंग चीजें क्या है? मेरे मतलब दोस्तों, देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए। यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने
2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। मेरे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एकदम ओवरहेड प्रॉब्लम वाज द स्लोडाउन। तो स्लोडाउन को एड्रेस करने का तरीका क्या था भाई? आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। सो देयर इज नो डिटरमाइंड पुश टू गिव पुश टू द यू नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम ये करेंगे, हाँ, ये तो मतलब बॉस हम तो सब कर कि हम मतलब इंफ्रा में बारो करके कुछ भी करके विल गिव अ किक स्टार्ट टू इकोनॉमी, उस टाइप का डिटर्मिनेशन दिखा नहीं, यू नो। सो इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है उसमें बहुत सारे गैप्स हो सकते हैं। तो हो गया जो आप थोड़ा बहुत 10-12% जो आप इंक्रीज जो नेक्स्ट ईयर के प्लान किए हुए, अगेन आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, क्योंकि अभी देख के ऐसा लगता है कि वो रेवेन्यू दे आर मे बी दे, जैसे 2 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट है, इस साल भी नहीं आया, अगले साल भी। ये बाजार कंडीशन ऐसा है, ग्लोबल कंडीशन ऐसे हैं, उसमें नहीं लगता कि 2 लाख करोड़ इकट्ठा करना इतना ईजी है। तो जो रेवेन्यू साइड जो एक्सपेक्टेशन है वो सब बहुत डिफिकल्ट है, और नहीं आएगा तो जो आपका 8-10% जो आप ग्रोथ बता रहे हो वो भी नहीं आएगा फिर, बिकॉज आप बोलते 3.8 ही रखूंगा मैं, सो जगह कहाँ है फिर? करेक्ट। सो मेरे को ऐसा लगता है कि दे आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ किक स्टार्टिंग द, बिकॉज अभी स्लोडाउन सिर्फ 4-5 महीना पुराना है, तो अभी भी लोगों को होप है। यदि 4-6 महीना और चला गया ना, फिर देन वी आर नाउ एट 5% ओनली, एक वो मतलब देन वी यू स्टार्ट टेकिंग द करेंट कंडीशन एज द गिवन, क्योंकि अभी भी एक होप था कि बॉस वी विल गो बैक क्विकली टू 7%, वो गया। नल में जल जो योजना है वो प्रधानमंत्री का फेवरेट प्लान है, हर घर में जल और नल के जरिए, और वो शेखावत जी वाली जो मिनिस्ट्री, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर गवर्नमेंट उसमें डिटरमिंड। जैसे पहले बैंक खाते खोले, 30 करोड़ खाते खोल दिए 18 महीने में, या एलपीजी सिलेंडर जिस तरह से दिए, या एलईडी बल्ब किया, या टॉयलेट्स बनाए, वैसा ही अगर एक युद्ध स्तर पर कि अगले 6-12 महीने में कैसे भी वो जल पहुंचाना, तो उसमें रियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि आपको कई जगह वाटर बॉडी बनानी है, पाइप लगाना है, छोटा पाइप लगाना है, घर तक पानी पहुंचाना है, वो एक एक प्रोजेक्ट हाथ में बड़ा लिया जा सकता है। तो ये एक कई सारी इंडस्ट्री को एक साथ बूस्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें दूसरा एडवांटेज हो सकता है, आई थिंक दिस इज कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो उसमें आपको जॉब भी क्रिएट हो सकता है। आई थिंक दैट समथिंग व्हिच आई थिंक वी आर मिसिंग दैट पॉइंट, आई थिंक एवरी स्टेट इज कनेक्टेड, राइट, दैट समथिंग। The another good thing they have done is the district level focus in order to bring one industry in every district, every district should be identified, and that should be made to work from the point of creating success to the industry. Which I think every district, if you see, they are specialized on something. We don't recognize actually the importance of our own country. That bottom up approach, mera sabse uska impact alag tarah se aa sakta hai. I think as Ramdev was mentioning, this is a time to actually take some kind of leap forward. Kuch bada kar sakte hai. Madhu sir. बाकी सबने बोलिया, मैं तो अगर एक ही मुझे बोलना है तो एक जो एनिमल स्पिरिट को रिवाइव करना है ना, मूड चेंज जो करना है कंट्री का, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, या लगे नहीं यार ये बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और अगर हमने नहीं किया तो हम रह जाएंगे, यू नो, वो मिसिंग है बेसिकली। सब चीज हम अभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, कल मैं जो शेयर खरीदने को तैयार था आज मूड चेंज हो गया, मैं बोलता हूँ अब मेरे को रुकना है यार, अगले हफ्ते देख लूंगा ना कहाँ जल्दी है। तो वही है, जब शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसे लगाने के लिए मेरा मूड इतना इम्पोर्टेंट है, तो जो आदमी 1,000-2,000-5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगा रहा है उसके लिए मूड चेंज कितना जरूरी है, बहुत बड़ी बात है ये। तो एक मूड चेंज जो है ना समहाउ है ना, मैं अभी भी होपफुल हूँ टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज इफ यू सी इन दिस गवर्नमेंट बजट हैज बीन ए 12-month एक्सरसाइज, मतलब इट इज नॉट ए बजट, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन इन इट सेल्फ, इट इज ए प्रोसेस। अभी इतना बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपने बजट के अलावा दे दिया, यू कुड हैव दे वुड हैव वेटेड फॉर बजट एंड दैट वुड हैव मेड दिस बजट लुक लाइक ए बिग बैंग बजट, कि अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स का अनाउंसमेंट उस समय नहीं आता और अभी आता, यू वुड हैव ऑल बीन टॉकिंग वेरी डिफरेंट थिंग्स। आई स्टिल फील दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन ए नोट दैट ग्रोथ नीड्स टू बी रिवाइव्ड एंड वॉट एवर इज बींग डन इन दिस बजट something more will be done, and I hope that that animal spirit or the mood change happens. That to my mind that is most important. तो इस साल 2020 में फिर मेरा आखिरी सवाल ये कि पहले 11,000 दिखेगा या पहले 12,500 नया हाई? और रामदेव सर आपको तो ध्यान रहता नहीं निफ्टी कहाँ है, तो इसलिए मैं बता दूं 11,600 पर आज बंद हुआ है, तो आप ये भी नहीं कह सकते मुझे पता नहीं कहाँ बंद है। पहले
आज देखा था मैं इट इज एग्जैक्टली एट द 200 मूविंग एवरेज. अच्छा वो भी देखा, ये आपने खुद देखा है किसी ने बताया? मैंने खुद देखा, मतलब गिर रहा है कहां तक आया कर रहे थे ना. तो इसका मतलब अगर आप अगर निफ्टी देखने लगे तो इसका मतलब आगे में निफ्टी ने आज कुछ किया है, आज कुछ अचीव किया. तो सर पहले 11,000 की तरफ बढ़ेंगे या लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे? ये मालूम नहीं पता एक्चुअली. मतलब देखो जब मेरा खराब लगता है ना तो बाजार एक्चुअली बढ़ जाता है. अच्छा तो मेरे को थोड़ा खराब लग रहा है तो आप हिसाब कर लो क्या होने वाला है. ठीक बात है नवनीत जी. नहीं मैं आशा करता हूँ 11,000 नहीं दिखे, 600-700 पॉइंट बाकी है. गवर्नमेंट को बड़ा डाइवेस्टमेंट करना है. और मधु ने सही बोला, कई बार ऐसा होता है कि यार शेयर बाजार में तो 3-4 करोड़ लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है. पर इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर है. yes. क्योंकि जो इकोनॉमी को चलाने वाले प्राइवेट सेक्टर वाले जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन, आज LIC की वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगी, जब बाजार बढ़ेगा तो उनकी भी वैल्यूएशन बढ़ेगी. तो सरकार को भी इनडायरेक्टली काफी फायदा होता है. सो शेयर बाजार का काफी इंपॉर्टेंस है. मैं आशा करता हूँ कि 11,000 नहीं दिखे. बजट का जो कुछ भी इम्पैक्ट आना था मार्केट में आ गया है अभी सोमवार को? सोमवार को चाइना के बाजार खुलेंगे काफी दिनों के बाद, काफी नीचे खुलने की लोगों को फियर है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमको देखना होगा. ग्लोबल मार्केट बजट तो हो गया, ग्लोबल देखना है. हाँ बजट तो हो गया. बजट का कुछ कुछ अभी फाइन प्रिंट जैसे सुनील बता रहे हैं, कुछ कुछ और निकल रही है, उसका इम्पैक्ट मंडे को दिखेगा. बाकी ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट आएगा. तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आशंका है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी की है, इन्वेस्टर्स की है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की है, उसको किस तरह से एड्रेस करा जाए, ताकि जो ग्लोबल एक नेगेटिविटी का माहौल सडनली 10 दिन में बन गया कोरोना वायरस की वजह से, क्या इंडिया उसका फायदा उठा सकता है? इसकी वजह से सेंट्रल बैंक सब बहुत लिक्विडिटी प्रिंट करेंगे, दुनिया में काफी कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी रहे, रेट्स नीचे आए, और भारत उसका फायदा कैसे उठा सकता है, हम उस पैसे को खींच कैसे सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं बन जाए कि फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाने की बजाय यहां से निकाले. सुनील जी बजट डिस्काउंट हो गया क्या, पहला सवाल तो ये. दूसरा कि 11,500 या 12,500? आई थिंक इन द रन अप टू द बजट पहले ही 500 पॉइंट सेंसेक्स गिर चुका था, आज 1,000 गिर गया है, तो करीब करीब 4-5% तो गिर गया है. अगर हम 10-11 साल का इतिहास देखें तो 6-7% से ऊपर जनरली ये इवेंट के बेसिस पे गिरता नहीं है. तो आई वुड से दैट हो सकता है मंडे को एक बार और एक नीजर रिएक्शन आए, बट उसके बाद में एक बेस बनना चाहिए. दूसरा जैसे मधु ने कहा, आई थिंक ये बायबैक विल बिकम अ बिग सॉर्ट ऑफ अ टूल, उससे भी एक सपोर्ट मिलेगा. और आई थिंक द बिगेस्ट सपोर्ट विच इंडियन इकोनॉमी विल गेट इज विद द ऑयल प्राइस. मेरा पर्सनल ये व्यू है कि ऑयल ये 2020 में $40 दिखा देगा. क्या बात. तो आई थिंक अगर उस डायरेक्शन में वो व्यू आने लग गया तो ये जो जितना डेफिसिट गवर्नमेंट का है काफी दैट कैन बी मेड गुड ओनली बाय रिटेनिंग द प्रॉफिट फ्रॉम ऑयल बाय द गवर्नमेंट. आई वुड स्टिल बी कंस्ट्रक्टिव. बाला सर मेरे हिसाब से आई थिंक जो आना है एक ही दिन में आजकल आ जाता है बस. सो बजट का जो नेगेटिव है आज के दिन में सब लोग दे दिया. एक्चुअली आसिफ टुडे इज ओनली मार्केट रिएक्शन, ओवर रिएक्शन जो ना है रिएक्शन हो गया. आज सुनील वाज मेंशन लास्ट 2 दिन से मार्केट गिर रहा है. FIIs भी 5,000 करोड़ माल बेच के चला गया एक्चुअली लास्ट 2-3 दिन से. सो उसका इम्पैक्ट जो आया कोरोना वायरस का भी मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट आ गया है. सो मे बी टुडे लुकिंग एट टुडेज फॉल एंड देन द वे आई थिंक द लिक्विडिटी इज गेटिंग बिल्ट अप not even through the central bank injecting more liquidity. Globally, I think liquidity is getting better. India also liquidity is very, very high. Then people are looking at increasing the allocation towards the emerging market. People are also now not that much comfortable putting money back in only in US because of valuations, etc. So my view is we'll probably see the budgetary provisions addressing the longer term issues surrounding the country. We'll probably see the long only guys will come back to the market. ठीक बात है. मधु सर निफ्टी को बात करके कुछ फायदा नहीं है बिकॉज किसी को पता नहीं है. बट मैं 2 कमेंट बोलूंगा. एक बोलूंगा कि ये इतना वॉलेटिलिटी और रिस्क में जो डिफरेंस है ना, 4 दिन के अंदर तो 25-25% आपने घटा दिया अच्छे अच्छे शेयर. तो वील बी बैक इन बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड अगेन. स्टॉक स्पेसिफिक सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी मार्केट विल थ्रो विच इज वही मार्केट रहा है ना. दूसरा मुझे लगता है आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट बिकॉज अपन मार्केट में हमारा सब चीज के ऊपर ओपिनियन है बराबर ना, कोरोना वायरस के ऊपर भी एक ओपिनियन है. मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर ब्लोन है. अगर आप देखो पास्ट में इस टाइप का इम्पैक्ट कभी भी जाके तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट एक्चुअल इकोनॉमिक टर्म्स पे हुआ नहीं. दूसरा इस पर जो गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है ना, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो चाइना है, अगर मैं 2003-04 में जाके पढ़ रहा था और सार्क वायरस के रूप में, इस पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रिपरेशन और एग्रेसिव रिएक्शन है. प्रिपेयरनेस गवर्नमेंट का प्रिपेयरनेस बहुत ज्यादा है.
तो मुझे लगता है कि होपफुली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वील बी बैक इन बिजनेस लुकिंग फॉर गुड कंपनीज एट गुड प्राइजेस। चलो बढ़िया है। भले आज थोड़ी सी उम्मीदें कम पूरी हुई हो लेकिन आगे उम्मीदें बरकरार है। बाजार में तो मजा ही तब जब आप पॉजिटिव हो और थोड़े उम्मीदों के साथ रहें, नहीं तो कोई कोई शेयर खरीदेगा ही क्यों या अपने पास रखेगा ही क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बजट के इस खास शो में अपना पूरा डिटेल्ड एनालिसिस और ज्ञान हमें देने के लिए। तो बाजार के सारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि हाँ कुछ उम्मीदें थी जो बाजार की पूरी नहीं हुई, लेकिन रिएक्शन थोड़ा बाजार का जरूरत से ज्यादा है। एक दो दिन की बात है और बाजार फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएंगे। ग्लोबल मार्केट के साथ हम भी करेंगे ट्रेड। इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। दोस्तों कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।